15 दिन का वादा हुआ 2.5 साल में तब्दील, और कब तक झेलनी पड़ेगी मुसाफिरों को दिक्कत? बताते चले कि बांदा बरेच राष्ट्रमार्ग जो कि बरछावा कस्बे से होते हुए निकलता है, ये मार्ग गड्ढों में तब्दील हो चुका है। बरछावा में बने PWD द्वारा बनाए गए और ब्रिज की हालत इतनी चर्च हो चुकी है कि यहाँ से निकलने वाले मुसाफिरों को दिक्कत झेलनी पड़ रही है। जहाँ पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेते हुए कहा था कि 15 दिन में प्रदेश के हर सड़कों को गड्ढे मुक्त करेंगे, और वहीं प्रदेश के शासन काल 2.5 साल बीत जाने पर प्रदेश के सड़कें गड्ढे मुक्त नहीं हुए। PWD की आल अधिकारियों ने ऐसे ओवर ब्रिज के निर्माण किए कि वो इस एक ही साल में ही चार्ज हो गया है। अगर सरकार व PWD के आल अधिकारी ऐसे ही काम करते रहेंगे तो प्रदेश से कभी भी गड्ढा मुक्त नहीं हो सकता। ऐसे सड़कें हैं जिन पर PWD के अधिकारी सिर्फ लीपापोती करते रहते हैं और उनका फोटो खींचकर सरकार तक पहुंचाने के कार्य करते हैं। पूर्ण रूप से सड़कों का निर्माण करवाया दिया गया है और सड़कों पर भारी भरकम वाहन चलने से मुश्किल हफ्ते भर में सड़क फिर गड्ढा में तब्दील हो जाता है। अगर ऐसे राष्ट्रमार्ग पर चलता रहा तो ये मार्ग एक दिन बड़े घटना का भी अंजाम हो सकता है। बरछावा से ये राष्ट्रमार्ग गुजरात है, इस राष्ट्रमार्ग पर इतनी आक्रमण है कि यहाँ से भारी भरकम वाहन जब गुजरता है तो वो अपनी रफ्तार को भी कम नहीं करते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटना होती रहती है। और इस और ब्रिज पर अवैध रूप से टेम्पो स्टैंड के ठेकेदार टेम्पो बैंड स्टैंड बन रखे हैं, जिससे गुजरने वाले मुसाफिरों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्या प्रशासन नहीं दिख रहा है इन जैसे हालातों को? कब तक प्रदेश की सरकार का वादा पूरा होगा और कब ऐसे राष्ट्रमार्ग की हालत सुधरेगी? सरकार के वादों पर पानी फेरते राष्ट्रमार्ग राजमार्ग। आशीष शुक्ला के साथ मनु सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। बांदा बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि बछरावा होते हुए गुजरता है और बछरावा में इस पुल का निर्माण करवाया गया, और योगी जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने जब अपनी सरकार बनाई थी तब उन्होंने कहा था कि 15 दिन में पूरे राज्य के सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, और यहाँ पर 2.5 साल बीत गए। क्या कर रही है सरकार वो आप खुद ही देख सकते हैं। खुद ब खुद आप देख सकते हैं कि किस तरह जर्जर हो गया है पुल। अगर ऐसा ही आलम रहा तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी दुर्घटना को अंजाम देगा यह बछरावा का पुल।